by Satyam Developers. Bhumi Petnekar endorses this exclusive project at the heart of Khargar that enhances the living experience of the discerning Khargarite. Truly next level. नवी मुंबई के सांडपाड़ा रेलवे स्टेशन पर स्काई कैफे के मालिक सेवाराम वर्मा पर जानलेवा हमला होने की घटना घटी है। ये हमला पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार हुआ है। इस वक्त सेवाराम वर्मा, उनकी पत्नी सहित होटल के वर्कर पर भी हमला किया गया है। स्काई कैफे के मालिक सेवाराम वर्मा और उनकी बेटी ने इस पूरी घटना के बारे में बताया। मेरा नाम सेवाराम गिरवर वर्मा है। मेरा होटल स्काई कैफे करके 10-12 साल से मैं इधर इसी जगह पे मैं अपना बिजनेस चला रहा हूँ। इधर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ मैम, मगर ये इन साल अपना जो हुआ तो 2 महीना पहले जो हुआ तो मेरे पास हमला हुआ। उसके बाद फिर वापस मेरे लड़के लोग के ऊपर हमला हुआ और वापस आज मैं अभी 1 तारीख को ये इसी 1 मार्च 2024 को मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ। देखिए इधर मेरा जो हुआ तो ये सर में बहुत ज़ोर से जो हुआ तो चोट लगी है और मेरे गले में भी जो हुआ तो गला दबाया गया और 3-4 लोग इधर के लुक्खे गड़दुल्ले लोग, ये दारू खाना या चरसी लोग, गांजा वींजा सब पीते वो लोग आके मेरे पास 3 से 4 लोग आके इकट्ठा हमला किया। एक बंदा आया, उसने जो हुआ तो कहीं तक मेरा जो हुआ तो आके बचाया नहीं, वो लोग जान से भी मार देते मुझे। जाके हम लोग जो हुआ तो उधर पुलिस चौकी में भी जो हुआ तो जाके कंप्लेन किया तो वो NCR लेके, पहले भी NCR दिया पहले हमले में, इसके बाद जो हुआ तो फिर दोबारा NCR देके और शांत बैठ गए। वो SI कदम बोल रहे थे करके जो हुआ तो पुलिस चौकी में है इधर सांडपाड़ा में, बोलते हैं कि कौन तुम्हारे पास है, ब्लडी तो निकल रहा है तो इसका मतलब है कि जब हमें जान से मार देंगे तभी आप लोग एक्शन लेंगे है? ये क्या है ये सब जो है तो सर हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है, प्लीज़ जो है तो इधर की गवर्नमेंट या सरकार से और इधर कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, कुछ एक्शन नहीं ले रही है और वो लोग वैसे ही घूम रहे हैं गुंडे लोग, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सर, आप पे ये हमला बार बार क्यों कर रहे हैं, इसका रीज़न क्या है? रीज़न क्या है, इधर फोकट में खाने वाले लोग हैं, फोकट में खाना मांगते हैं। अभी ये जो मेरे ऊपर हमला हुआ, उधर सामने ये देखिए इधर दारू खाना है यहाँ पे और वहीं दारू पीते हैं और ये सब जो है तो आके वहीं से आर्डर देते हैं, बोले चिकन ट्रिपल राइस एक फुल लेके आइए। तो मैं बोला पहले का ऑलरेडी तुम्हारा पैसा बाकी है, वो पैसा कौन देगा, अभी का पैसा कौन दे रहा है? तो इतना बात पैसे की बात बोलने पे आके डायरेक्ट वो लोग हमला किया हमारे ऊपर। नहीं बिल्कुल मिलेगा, मेरे पास इधर कैमरा लगा है, ये कैमरा भी जो है तो है मेरे पास, वो कैमरा में पूरा प्रूफ कैसे वो लोग आके हमला किया। और मेरा वाइफ जो है तो बीच में बचाने के लिए गया, वो पहले जो हमला हुआ था तो वाइफ के साथ जो है तो बदतमीजी वो लोग किया, वाइफ के साथ बदतमीजी किया और ये बहुत गंदी बात है जो है तो हाँ इनने जो है तो मेरे साथ हमला किया तो वाइफ मेरी बचाने के लिए गई तो उसके साथ में जो है तो वो लोग हमला किया और जो है तो उसे भी मारपीट किया और
मेरा क्या है ना, उनकी कार्रवाई जल्द से जल्द होना चाहिए और उनका जो है तो अरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे ऊपर बार बार हमला हो रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। लिटरली ये हमारे साथ ना 3 बार हुआ है। पहले तो हमारे यहाँ पे जो होटल में वर्कर काम करते हैं उनके साथ हुआ था, मारपीट किया, बहुत गंदा वाला मारा था, ऐसा पूरा मेरे मम्मी के सामने ब्लड निकाला उनके मुँह से ऐसा। फिर सेकेंड टाइम मेरे पापा के साथ हुआ था, मतलब ऐसे ना गटर वगैरह साफ सफाई चल रही थी, तो उस टाइम पे आके एक ऐसे कॉलर पकड़ा मेरे डैडी का, तो मम्मी बचाने आई तो मम्मी के साथ भी मिसबिहेव करा उन्हीं लोगों ने। फिर अभी ये 1 तारीख को फिर से मेरे मतलब सामने ये इनका दारू का ये चलता है व्यवसाय, तो उन्होंने सामने से ऑर्डर दी मेरे डैडी को और ऑर्डर कैंसिल कर दी। मेरे डैडी ने पैसे मांगे कि पहले के बैलेंस पैसे तुम लोग पे करो, बस पैसे मांगे उतने पे वो एक आता है महेश करके था, महेश, विशाल गायकवाड़, अमित भोईर और 2-3 जन उनके फ्रेंड थे, ऐसे डायरेक्टली अंदर आए, आके बोलते क्या रे तू हमसे पैसे मांगता है, हमसे पैसे मांगता है। विशाल माने वगैरह ये लोग सब थे, डायरेक्ट आके मारपीट स्टार्ट कर देते। हम लोग पुलिस के पास गए तो वो हर टाइम जाते तो हर टाइम NCR पकड़ा के छोड़ देते कि हाँ हम लोग देखेंगे क्या करना है क्या नहीं, तुम लोग रुको। मेरे डैडी का ऐसा ब्लड निकल रहा था, मैंने बोला जीव चाल ले इतने मानसाचा, तो वहाँ पे एक ऐसा ही कदम करके है, वो कह रहे थे जीव गेला है का मैडम, मतलब मुझे आपको ये बताना है कि जब इंसान का इंसान की जान चली जाएगी तब पुलिस एक्शन लेगी, मुझे ये पूछना है कि कब एक्शन कब लेगी, जब मरने के 1-2 जन मर जाएंगे तब एक्शन लेंगे क्या वो लोग। और वहाँ पे मैं SCP सर के पास भी गई थी, मुझे किसी ने बताया था वहाँ पे जाके आप लोग यहाँ की लोकल पुलिस नहीं सुन रही है तो वहाँ पे जाके कंप्लेन करो, वहाँ पे जाके कंप्लेन करा तो उन्होंने तो बोला कि हाँ ठीक है चैप्टर केस होगा, उन्होंने ऊपर से डायरेक्शन दिया, तब जाके घर से पुलिस चौकी से कॉल आता है डैडी को। कॉल आने के बाद वहाँ के PI पन्नड़ करके हैं सीनियर, उन्होंने बुलाया तो मेरे डैडी को उल्टा वो चिल्ला रहे थे जैसे हमने उनके ऊपर मतलब वो जो गुंडे थे हमने मारा है, मेरे डैडी ने उनको मारा है ऐसा करके, मतलब हमें ना कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। सो मैं मीडिया से यही कहूँगी कि प्लीज़ हमें हेल्प करें और ये जो भी है उनको मतलब गंदी से मतलब जो भी उनका एक्शन है कार्रवाई करें और ये यहाँ का ना बंद करवा दी, क्योंकि यहाँ पे ऐसा चालू रहेगा तो लड़ाइयाँ होती ही रहेगी कंटिन्यूसली। अब इसके बाद अगर मेरे मम्मी या डैडी या फिर हमारे रेस्टोरेंट में जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके अगर कुछ भी अटैक होता है या कुछ भी होता है उनके ऊपर, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मैंने जो नाम लिए वो और पुलिस होगी। इस मारपीट में हमारे होटल का बहुत नुकसान हुआ है, लास्ट टाइम वर्कर्स लोगों के साथ मारपीट करी थी तब 30,000 से 40,000 का नुकसान किया था, पूरे ऐसे काउंटर्स वगैरह फेंक दिए थे, तोड़ दिए थे, और अभी डैडी को मारते मारते वहाँ तक अंदर तक लेके गए थे, चाहिए तो कैमरा है, रिकॉर्डिंग है, देख सकते हैं, गले में सोने की चैन थी, वो मारते मारते लेके गए, वो चैन तोड़े या लेके गए क्या किए हमें पता नहीं है, वो नुकसान भी हमें भर के दीजिए।